हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए मेडिसिन रिव्यू के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में हम बात करेंगे कॉलजेट डीएस सिरप के बारे में, जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाने वाला काफ़ी अच्छा ये सिरप है। नन्हे मुन्ने बच्चों को जब भी डायरिया वाली प्रॉब्लम होती है, दस्त वाली प्रॉब्लम उनको लग जाती है, तब ऐसी कंडीशन में यूज़ किया जाने वाला काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा सिरप है। 30 ml की पैकिंग के साथ आपको मिल जाता है। गाइस, ये जो सस्पेंशन है, ये जो सिरप है, पेडियाट्रिक सिरप होता है, यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी उनको डायरिया वाली प्रॉब्लम हो गई है, डायरिया होने की वजह से कई बार जब उन्हें बार बार लैट्रिन आती है, बच्चों को जब डायरियल प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार लैट्रिन होने लगती है, तो जिस वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उनकी जो बच्चों को लैट्रिन वाली समस्या हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोलेस्टीन सल्फेट ओरल सस्पेंशन दिया जाता है, जो कि डॉक्टर्स की चॉइस मेडिसिन रहती है। इसका बेहद ही अच्छा फ़ायदा बच्चों में देखने को मिल जाता है। बच्चों को जब आँत के अंदर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये जो सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, और इसको पेडियाट्रिक डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा एडवाइज़ भी करते हैं। तो गाइस, इस तरह से ये जो सस्पेंशन है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है बच्चों को डायरिया वाली प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये एंटी डायरियल और एंटीबायोटिक होता है, तो बच्चों को किसी भी तरह का जब इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। इस तरह से बच्चों को होने वाली डायरिया वाली प्रॉब्लम में ये काफ़ी जल्दी उनको रिलीफ करता है, और उनको जो डायरिया वाली प्रॉब्लम है, उनको लैट्रिन दस्त हो रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो गाइस, इस तरह से इसके फ़ायदे बच्चों के लिए मिल जाते हैं, और उनको ये डायरिया वाली प्रॉब्लम में काफ़ी जल्दी ट्रीट करता है, और उनको इफ़ेक्टिव भी रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मिलता है आपको, कॉलजेट डीएस के नाम से मिल जाता है, जो कि इसका ब्रांड नेम है। कोलेस्टीन सल्फेट इसके अंदर होता है। कंपोजिशन की मैं बात करूं तो कोलेस्टीन सल्फेट 25 mg की स्ट्रेंथ में इसके अंदर ऐड किया होता है। MRP की अगर हम बात करें, 66 rupees MRP मेंशन है, जो कि आपको 60 rupees में आपके एरिया में सभी फार्मेसी स्टोर्स पर इजीली मिल जाता है। एलडी मेडी इम्पैक्स लिमिटेड द्वारा इसको मार्केट किया जाता है। गाइज, इसके अंदर आपको ड्रॉपर भी मिलता है, जो कि ड्रॉपर की हेल्प से आप बच्चों को ईजिली इसको यूज़ करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो कोलेस्टीन सल्फेट सस्पेंशन आता है बच्चों को डायरिया वाली प्रॉब्लम में, जब उनको लगातार दस्त हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मेडिसिन है। बच्चों को यूज़ कराने से पहले अपने पेडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सेल्फ़ मेडिकेशन बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो गाइज़ यूज़ करने से पहले भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, डोज़ की अगर हम बात करें, डोज़ हमेशा अपने बच्चे को डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ कराएं तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का कोलजेट डीएस सिरप का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद।